हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवंगन, आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले फीस माइग्रेशन को आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। फीस माइग्रेशन जो है कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से फीसेस में माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल एग्रीजीव को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है वो पहुँच सके। तो हम इसमें देखते हैं पहले कॉन्टेंट, कॉन्टेंट के आधार पर देखेंगे कि जो फीसेस में माइग्रेशन होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद जो है सम एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी फीसेस स्पीसीज, फिर आएगा हमारे पास जो है माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मेथड्स ऑफ माइग्रेशन, फिर उसके बाद है आपका पीरियोसिटी ऑफ माइग्रेशन, उसके बाद होगा हमारे पास पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, हाउ डू दे फाइंड द डायरेक्शन, हार्मोन इन्वॉल्व, केसेस ऑफ माइग्रेशन, मेथड फॉर स्टडिंग माइग्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इतने टॉपिक ऊपर हम पूरे देखने वाले हैं। अगर इतने टॉपिक अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो इसमें से आपका एक भी नंबर इसमें कटेगा नहीं, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें माइग्रेशन, तो इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अ रेगुलर सीजनल लार्ज स्केल लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन ट्विंस अ ईयर बिटवीन अ फ्रैक्ट ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरिया। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है अप्रवासन या प्रवाह जो रहता है एक सीजनल रेगुलर और लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, सीजनल होता है, रेगुलर होते हैं, लार्ज स्केल के बंदर की बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। और ये जो है क्या करता है, वो अपने पूरे पॉपुलेशन को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक 1 से 2 साल के लिए इसमें माइग्रेशन कर लेते हैं। ये इसका जो कारण होता है, आपका ब्रीडिंग भी हो सकता है और नॉन ब्रीडिंग एरिया भी हो सकता है। जैसे कि फूड के लिए कर रहा है तो ये हो जाएगा उसके नॉन ब्रीडिंग एरिया, अगर वो ब्रीडिंग के लिए कर रहा है तो हो जाएगा हमारे पास जो है ब्रीडिंग एरिया। तो इसमें क्या होना, किसी भी फिशेस के एक निश्चित पॉपुलेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजनन के लिए या तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन रिप्रोडक्शन एंड जो फूड के लिए माइग्रेशन करना, और वो प्रक्रिया हो जाने के बाद जो पुनः अपने नेटिव स्थान पर वापस आ जाना माइग्रेशन, जिसमें जो है कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं और स्पेशलाइज्ड बिहेवियर इपिकली इन्वॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन स्पेस। ठीक है, तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, स्पेशलाइज बिहेवियर होता है ये, किसी भी एनिमल जो रहते हैं उनका स्पेशलाइज बिहेवियर भी होता है कि वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसमें शो करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहाँ से पुनः अपने जो नेटिव स्थान है वहाँ पर पुनः वो आ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं मेनी टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेट ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन टाइम स्केल्स रनिंग फ्रॉम डेली टू एनुअली लॉन्गर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें मेनी टाइप्स ऑफ जो फिशेस उसमें माइग्रेशन जो है सो होता है, जो कि रेगुलर होता है, इसमें टाइम स्केल रनिंग एवं जो है आपका डेली भी करते हैं कुछ, और जो कुछ जो है आपका एनुअली और कुछ जो लॉन्ग समय के लिए भी इसमें माइग्रेशन आपको देखने की इसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर दे ट्रैवल ओवर डिस्टेंस रनिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। तो इसका जो रनिंग होता है आपका फ्यू मीटर से लेकर जो है थाउजेंड किलोमीटर तक का आपका रनिंग देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास जो सम एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी फिशेस। तो इसमें एग्जांपल इसमें दिया गया है क्या क्या एग्जांपल होते हैं, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं द कोड होता है, हेरिंग्स होते हैं, सॉल्मोन होता है, ईल होता है, हिल्सा होता है, फिर हमारे पास जो ट्री स्पैनेट, स्ट्रीक बैक हो गया, लैम्प्रेस हो गया। तो ये सारे जो है इसमें आपका माइग्रेशन शो इसमें करते हैं। उसके बाद देखना है हम लोग इसमें माइग्रेशन फॉर्म में लिखा है किस लिए होता है ये माइग्रेशन जो है, तो पहला है हमारे पास फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन, दूसरा होगा हमारे पास स्पॉनिंग माइग्रेशन, तीसरा है जुवेनाइल माइग्रेशन, चौथा होगा इसमें आपका रिक्वायरमेंट माइग्रेशन एंड पाँचवा होगा इसमें सीजनल माइग्रेशन। तो इसमें अब माइग्रेशन क्यों होता है इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है फीडिंग एंड एलिमेंटल माइग्रेशन। फीडिंग मतलब क्या होता है, भोजन। तो अगर उसमें भोजन के लिए वहाँ पर उसमें माइग्रेशन होता है, भोजन या आहार के लिए अगर उसमें माइग्रेशन होता है तो इसको बोलेंगे फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन कहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो टेक प्लेस इन फिशेस फॉर फीडिंग। तो ये जो है इसमें इसका जो फिशेस होता है वो फीडिंग के लिए, भोजन के लिए इसमें माइग्रेशन शो होता है। तो इसमें लिखा है इन हाई पॉपुलेशन फिश पॉपुलेशन फिश एक्सट्रैक्ट फूड रिसोर्स इन एन एरिया क्विकली एंड देयर फोर मस्ट माइग्रेट कंस्टेंसली इन सर्च अ न्यू फीडिंग रिसोर्स। तो इसमें क्या होता है, जब उसकी पॉपुलेशन जो संख्या होती है एक जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो भोजन का
क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, तो भोजन की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगता है, उसकी मात्रा जो है वो रिसोर्स जो है वो कम होने लगता है, जिसके कारण से वो क्या करते हैं किसी नए स्थान पर जो है किसी नए स्थान पर जो जाते हैं और वहीं पर अपने भोजन के लिए उसमें ट्राई करते हो, तो नए एक भोजन न्यू फीडिंग रिसोर्स की तरफ उसमें माइग्रेशन उसमें होना। जैसे कि हमारे पास जो सालमोन हो गया, कोड हो गया, स्क्वाड फिश हो गया, कंस्टेंटली माइग्रेट फॉर फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सी, तो इसमें क्या करता है वो अलग एरिया में इसमें माइग्रेशन शो करेगा क्योंकि उसको वहाँ पर जो है भोजन की कमी होती है इसीलिए। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास स्पॉनिंग माइग्रेशन। स्पॉनिंग मतलब देखेंगे यहाँ पर ब्रीडिंग से संबंधित है, स्पॉनिंग मतलब ब्रीडिंग से इसमें संबंधित होता है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं टेक्स प्लेस इन ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, ये जो है आपको ब्रीडिंग सीजन में होता है, इन दोज फिश विच हैव स्पॉन ग्राउंड फॉर सॉरी फॉर अवे फ्रॉम फीडिंग प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है वो जो है फीडिंग प्लेस को छोड़कर इसमें क्या करेगा अपने जो ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग मतलब कि जहाँ पर उसको अपने बच्चों को देना है, तो बच्चों को देने के लिए उसमें जो है माइग्रेशन उसमें वो शो करेगा, ठीक है। एक स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश होगा जिसमें वो अपनी स्पॉन को अपने बच्चे को उसमें से रख सके। फिर उसके बाद है माइग्रेटरी फिशेज सच एस ईल्स एंड सॉलमोन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रेवराइन फिशेस, ठीक है। रेवराइन फिशेस स्पॉन इन ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर इन हिल्स एंड माइग्रेट इन लार्ज नंबर ऑफ लेइंग एग इन दिस ऑक्सीजन रिच वाटर। तो ये क्या करता है इसमें जैसे ईल हो गया, सालमोन हो गया, तो ये जो है अपने इस अपने जो एग होते हैं उसको ऐसे जल में देने की कोशिश करते हैं जहाँ पर जो है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती थी, इसलिए वो लोग क्या करते हैं हिल्स पर जो है रिवर पाया जाता है, तो हिल्स पर जो रिवर होते हैं उसमें जो वहाँ का संगम होता है जहाँ पर वो जुड़ते हैं, ठीक है, वहीं पर अपने अंडे को जो है देना पसंद करते हैं ताकि वहाँ से उसके अंडे जो रहते हैं या उसके जो स्पॉन है उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास जुवेनाइल माइग्रेशन, इसमें देखते हैं, तो जुवेनाइल मतलब सीधा हम इसको बोल सकते हैं किशोर प्रवसन के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास जो है इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज ऑफ फिशेस, तो इसमें जो आपका लार्वल स्टेज होता है फिशेस का, फिश जो लार्वा फॉर्म रहता है उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें हो क्या रहा है देखो यहाँ पर, दिस हैच इन स्पॉनिंग ग्राउंड एंड मस्ट माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू रीच द फीडिंग हैबिटाट्स ऑफ दियर पेरेंट। तो ये क्या करते हैं इसमें जब स्पॉनिंग होता है उसमें, तो स्पॉनिंग क्या करेंगे तो एक स्पॉनिंग ग्राउंड में होते हैं वो, और उनके जो माता पिता होते हैं भोजन की जो है आवास या भोजन की तलाश में जो है वो पुनः अपने स्थान पर जो है पहुंच जाते हैं, इसी कारण से उसका जो वहाँ पर लार्वा रहता है तो उन लार्वा को जहाँ उनका पेरेंट रहते हैं वहीं पर उसको जो है लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको जो है वो दूरी करने की या दूरी तय करने के लिए उसको जो है वो मजबूर कर दिया इसमें जाता है। तो इसमें होगा क्या कि सीधा सा बात इसमें है कि जो इसका स्पॉन रहेंगे तो इसका स्पॉन कहाँ की ओर गति करेगा, जो कि स्पॉन बोलता हूँ उसका जो जुवेनाइल है लार्वा है वो कहाँ पे और गति करेगा, जहाँ से उसके पेरेंट्स आए थे वहीं पर जो है वो गति करेंगे। तो कई बार पेरेंट्स में देखने को मिलता है कि बहुत लंबे डिस्टेंस को भी वो तय करके आते हैं, तो इसी कारण से वहाँ पर पहुँचने में उसको बहुत ही लंबा समय उसमें लग जाता है। अब उसके बाद हम इसमें देखना है रिक्वायरमेंट माइग्रेशन, तो रिक्वायरमेंट माइग्रेशन के अंदर क्या बोलता है, टेक्स प्लेस व्हेन लार्ज नंबर ऑफ लार्वा मूव फ्रॉम नर्सरी हैबिटाट टू द हैबिटाट ऑफ एडल्ट विच में समटाइम्स बी डिस्टिंक्टली डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लार्ज नंबर ऑफ लार्वा मूव करेगा कहाँ पे और मूव करेगा नर्सरी हैबिटाट की ओर, ठीक है, नर्सरी हैबिटाट या जो है आपका हैबिटाट से जो है वो एडल्ट की ओर से है, जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ से जो है एडल्ट की तरफ जो है उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो है वो बड़े होने की जो है कोशिश करेंगे, यानी कि बड़े होकर जो है अपने एक नेसी स्थान पर जाने की कोशिश में करेंगे। तो होगा क्या इसमें, इसके कारण जो है कुछ समय में इसमें जो है बहुत ही डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, उनके जो शरीर होता है या उसका जो सेप होता है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को इसमें मिलेगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आपका माइग्रेशन शो इसमें होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें लिखा है एडल्ट्स ऑफ इल लिव इन रिवर्स इन यूरोप एंड अमेरिका बट दियर लार्वल स्टेज लिव एंड ग्रोन इन सी एंड माइग्रेट टू रीच रिवर्स
विच मे बी टेक और 1 to 2 ईयर्स। तो इसमें क्या करता है कि जो आपका इल्स हो गया, तो इल्स कहाँ पर पाया जाता है, रिवर में होता है, लेकिन उसका जो एग रहता है वो कहाँ पर, या उसका जो लार्वा होता है कहाँ पर होता है ग्रो, आपके सी वाटर में होता है उसका ग्रो होता है। तो जो है वो सी वाटर में ग्रो होगा, उसके बाद पुनः वो अपने कहाँ पर चले जाएंगे, वो अपने रिवर में जो है वो पुनः वापस इसमें चले जाते हैं। लगभग कितना समय लगता है उसको, 1 से 2 ईयर्स का टाइम उसमें लग सकता है उसको पुनः वापस वहाँ पर जाने में, 1 से 2 साल का टाइम उसको लग सकता है। तो इसमें इतना लगेगा सीजनल माइग्रेशन। तो सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है, इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन फिशेज दैट इनहैबिट आर्कटिक एरिया वेयर इन समर क्लाइमेट्स इज कंसेसिव ऑफ फूड अबंडेंस, बट एज विंटर अप्रोच टेम्परेचर फॉल बिलो 0 एंड फूड बिकेम स्केयर। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कुछ जो फिशेस होते हैं आपके आर्कटिक जो एरिया रहते हैं, यानी कि जहाँ पर जो है ठंड का ज़्यादा समय रहता है, या तो जितने वहाँ पर जो है जब उसका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्रीज भी कम नीचे चला जाता है, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ के जो फिशेस होते हैं उनके लिए भोजन की जो कमी हो जाती है, अत्यधिक भोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे एरिया की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कि जो उसका मौसम है वो थोड़ा सा समर लाइक हो, मतलब थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, जैसे कि उष्ण कटिबंधी हो गया, तो वहाँ पर जो है वो जाने की कोशिश में करता है, जिसके कारण से वो अपने जो फीडिंग है या अपने जो जीवन यापन है उसको जो अच्छे से वो चला सके। तो इसलिए उसमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेटिकली कि जहाँ पर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कम होने पर उसका भोजन जो है उसमें कम होने लगता है, इसी कारण से उसको जीवित रहने के लिए किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर मौसम अनुकूल है वहाँ पर जाने की कोशिश वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हैंस फिशेस मस्ट माइग्रेट टूवर्ड्स सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया टू स्केप एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन। तो ये इसमें आपका एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन से बचने के लिए सब ट्रॉपिकल एंड जो ट्रॉपिकल एरिया की तरफ इसमें जो है माइग्रेशन शो होता है, जो कि वहाँ पर जाकर अपने जो है जो बच्चों की संख्या उसको वृद्धि वो करते हैं, यानी कि अपना संख्या उसमें वृद्धि अब करेगा। अब उसके बाद आएगा हमारे पास, देखो इसमें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो कितने प्रकार के माइग्रेशन होता है, पहला हमारे पास होता है एलिमेंटल माइग्रेशन। तो एलिमेंटल माइग्रेशन अब देख पा रहे हैं, दिस इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये जो है आपको फूड एंड वाटर के लिए इसमें आपका माइग्रेशन सो होता है। फिर हमारे पास जो गेमेटिक माइग्रेशन, तो फॉर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए अगर माइग्रेशन होता है उसको बोलेंगे गेमेटिक माइग्रेशन। एंड क्लाइमेटिक माइग्रेशन में बोला है टू श्योर मोर सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन। तो ये जो है आपका मोर सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन के लिए अगर उसमें माइग्रेशन होता है इसको बोलेंगे क्लाइमेटिकल या क्लाइमेटिक माइग्रेशन। फिर है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, इसमें बोला है मेंटेनेंस ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए इसमें माइग्रेशन शो होता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास इसमें, अब देखते हैं, तो पहले इसमें लिखा है यहाँ पर मेथड्स ऑफ माइग्रेशन। तो किस तरह से इसमें जो माइग्रेशन होता है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बाय ड्रिफ्टिंग। तो फिश आर कैरी पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, है ना। तो ये जो फिशेस, कुछ जो फिशेस होते हैं वो वाटर करेंट के अपोजिट दिशा में उसमें जो फ्लो होने की कोशिश वो करते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ये जो है आपका ड्रिफ्ट कहलाते हैं और मे रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये जो है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें जो है आपका शो करते हैं। फिर उसके बाद होगा हमारे पास रैंडम लोकेटरी मूवमेंट। तो इसमें क्या बोलते हैं, रैंडम इन डायरेक्शन लीड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और टू एन एग्रीगेशन। तो इसमें जो है कुछ इस तरह से इसमें होता है, साथ साथ इसमें ओरिएंटेड स्पॉनिंग स्विमिंग माइग्रेशन, ओरिएंटेड स्विमिंग माइग्रेशन किसमें देख रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कितने डायरेक्शन में जो है वो होते हैं, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम टू सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। तो अगर स्टिमुलेशन की तरफ अगर उसमें माइग्रेशन होता है तो इसको बोलेंगे हमारे पास जो है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। तो इसमें अगर उसके तरफ जो है माइग्रेशन शो हो रहा है, तो बोला है इसमें बी में एट सम एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन रनिंग बिटवीन देम एंड द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इमेजिनरी एंगल की तरफ से अगर उसमें अगर होता है तो इसको बोलेंगे हमारे पास इसमें दूसरे नंबर के इसमें कहा जाता है। तो जो हमारे पास ओरिएंटेड आपका स्विमिंग मूवमेंट होता है, दो प्रकार के इसमें देखने को मिलता है डायरेक्शन के आधार पर। अगर उसमें जो है डायरेक्शन जो स्टिमुलेशन की तरफ होता है और दूसरे जो है वो आपका स्टिमुलेशन के जो है इसमें आपका धीरे से उसमें होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा, पूरी तरह से इसमें जो है नहीं होगा, और जो है लाइन रनिंग में आपको जो है इसमें शो होने को इसमें मिलेगा।
अब उसके बाद देखते हैं माइग्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, तो कितने ड्यूरेशन हो सकता है। पहला हमारे पास इसमें है डेली होता है, तो डेली होता है आपका मेन फॉर फूड, आपका गैदरिंग फूड के लिए अगर होता है, तो एनुअल में होगा आपका मेनली रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जनरेशनल पेरेंट्स माइग्रेट टू रिलीज एग एंड लाई, एग एंड डाई, तो ये जो कुछ जो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं वो जो है एग को रिलीज करेंगे और मृत्यु उसमें हो जाते हैं। दियर यंग वंस माइग्रेट बैक टू दियर होम्स, तो उसका जो यंग रहता है वहाँ जिसने अंडे दिए थे, तो अंडे से जब वहाँ से लार्वा बनेगा तो पुनः अपने जो है बैक होम्स में वापस आने की कोशिश में करता है। फिर आएगा हमारे पास इसमें पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, तो पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन में सबसे पहले आएगा हमारे पास पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, दूसरा होगा आपका ओसिनोड्रोमस, तीसरा होगा हमारे पास डायड्रोमस। तो डायड्रोमस भी तीन प्रकार के होते हैं, ये आपका एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस एंड जो एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, अब इन्हीं को हमको देखना है। तो अब इसमें सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा पोटामोड्रोमस को, इसमें अगर हम देखना चाहे तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा कि यहाँ बोलता है आपका पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। तो इसमें बोला है फिश लिविंग इन द फ्रेश वाटर जनरली सो अप स्ट्रीम माइग्रेशन ऑफ एडल्ट फॉर स्पॉनिंग एंड द स्पेंड फिश रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू फीड इन एरिया। इसमें क्या करता है वो जो है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ उसमें मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो इसका जो फिशेज जो होते हैं अप स्ट्रीम से जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ इसमें मूवमेंट करना, और पुनः जब इसका फीडिंग हो जाएगा तो फीडिंग होने की वजह पुनः यहाँ पर वापस उसमें वो आ जाना, यानी कि अपने जो है पुनः अप स्ट्रीम में वापस वो आ जाना, तो ये कहलाता है हमारे पास पोटामोड्रोमस कहता है, जैसे कि आपका कैटफिश में जो है वो आपको देखने की इसमें मिलता है। दूसरा हमारे पास आएगा ओसिनोड्रोमस आएगा, तो ओसिनोड्रोमस में होता क्या है कि इसमें जो है आपका इसमें ओसिनोड्रोमस में देखने को मिलता है मेनी मेराइन फिशेस स्पीसीज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी एंड विजिट स्पेसिफिक एरिया सच एज स्पॉनिंग एरिया, नर्सरी एरिया, फीडिंग एरिया और विंटर एरिया ईटीसी। तो ये जो है आपका स्पॉनिंग एरिया के लिए या जो है आपका फीडिंग एरिया के लिए या नर्सरी के लिए इसमें जो है आपका माइग्रेशन सो इसमें जो है वो होता है, ठीक है। तो ये जो है सीधा हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें आपका जो है रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सो होता है, जैसे आपका जो हेरिंग्स होते हैं कोड होता है इसमें आपको जो देखने को इसमें मिलता है, तो इसमें भी इसी दिया गया है। तो अब उसके बाद आएगा हमारे पास डायड्रोमस, अगर हम इसमें देखेंगे तो डायड्रोमस जो फिशेस होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा दिस आर ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस दैट माइग्रेट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर एंड आर द थ्री टाइप्स, ये जो है तीन टाइप के होते हैं और ये जो है आपका सी वाटर एंड फ्रेश वाटर के बीच होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला आएगा हमारे पास एनाड्रोमस जो रहते हैं, तो एनाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है इसमें खास तौर पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जो है रिप्रोडक्शन के लिए इसमें माइग्रेशन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए होगा तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास जो है वेन फ्रेश वाटर फिश एक्स हैबिट माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग एरिया फ्रेश वाटर एंड फीडिंग एरिया आपका ओशियन। तो इसमें होता क्या हमारे पास जो एनाड्रोमस जो है इसमें सीधा सा आपको देखने को मिलेगा इसका जो मूवमेंट होता है आपका सी वाटर से जो है फ्रेश वाटर की ओर होता है, ये रहा उसका सी वाटर आपका, तो सी वाटर से जो है आपका फ्रेश वाटर की तरफ इसमें मूवमेंट होता है और अपने जो है फ्रेश वाटर में जाने के बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें रिप्रोडक्शन हुआ है, तो फ्रेश वाटर की तरफ जाने के बाद रिप्रोडक्शन करेगा, पुनः अपने मैराइन हैबिटेट में वापस जो है आ जाते हैं। तो आपको इसमें जानकारी मिला होगा कि जो है आपका मैराइन से जो है आपका फ्रेश वाटर की तरफ इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। दूसरा होगा हमारे पास जो है डायड्रोमस, इसमें तो डायड्रोमस के अंतर्गत हमारे पास एक और आते हैं, इसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या बोलते हैं, तो इसमें बोला गया है फिश विच स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर लाइफ इन फ्रेश वाटर बट रिटर्न टू द ओशियन फॉर स्पॉनिंग एरिया कॉल्ड कैटाड्रोमस, ठीक है। तो इसमें आपका कैटाड्रोमस में जो है आपका फ्रेश वाटर से जो है इसमें सी वाटर में होता है, ठीक है। तो कहाँ पर ये अधिक जीवन को व्यतीत करते हैं, फ्रेश वाटर में अपने अधिक जीवन को जो है व्यतीत करते हैं, तो फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन वो जो है कहाँ पर जाएगा आपके ओशियन में जाएगा स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास ये भी आपका रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो दो प्रकार से हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास एनाड्रोमस था और एक कैटाड्रोमस, तो जो इसमें जो माइग्रेशन होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एम्फीड्रोमस, तो एम्फीड्रोमस जो माइग्रेशन होता है वो जो है आपका इसमें ये जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये जो है आपका किसके लिए होता है आपका भोजन के लिए इसमें होता है। तो इसमें देख सकते हैं आपका डायड्रोमस फिशेस माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी और वाइस वर्स
देयर पर्पस इज नॉट टू ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये जो नॉट फॉर ब्रीडिंग रहते हैं, इनका पर्पस जो है आपका ब्रीडिंग नहीं होता, बल्कि ये भोजन होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपको फ्रेश वाटर एंड सी वाटर से, सी वाटर में जो है वो माइग्रेशन इसमें शो करता है ना, और ये अपने भोजन के लिए इसमें माइग्रेशन करते हैं। अब आएगा हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, तो क्या क्या है इसमें है। सबसे पहले आएगा हमारे पास फिजिकल फैक्टर, तो फिजिकल फैक्टर में आएगा हमारे पास बॉटम, मटेरियल डेप्थ ऑफ वाटर, टेम्परेचर आएंगे आप, ट्रेविट्री एंड जो है फोटो फोटो पीरियड इसमें रहेगा, ईटीसी आदि आते हैं इसमें। तो बॉटम मटेरियल की वहाँ पर जो है कितना उसका भोजन के लिए भोजन वहाँ पर है, डिप्ट ऑफ वाटर कितना है, कितना उसकी गहराई है, ये सारा उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारा जो है उसके लिए एक आदर्श फिश माइग्रेशन के लिए वो शो करता है, क्योंकि उसी में आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो है अगर वहाँ पर ज़्यादा ठंडा है जल, तो उसमें आपके फिशेज जो है नहीं रहेंगे, वहाँ से माइग्रेशन शो करेंगे। जैसे उसके बाद आएगा हमारे पास केमिकल फैक्टर, तो केमिकल फैक्टर में आपका पीएच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट ऑफ वाटर हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी ऑफ जो है पोल्यूशंस हो गया, डिसॉल्वेंट गैसेस हो गया, ये भी इसमें जो है वो आपका इफेक्ट डालता है। साथ साथ उसके बाद आएगा हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपका सेक्सुअली मेच्योरिटी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फूड हो गया, साथ साथ आपका मेमोरी हो गया, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ईटीसी, ये भी इसमें करता है। फिर उसके बाद होगा आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो फूड की कितनी मात्रा वहाँ पर पाया जाता है, ये भी इसमें डिपेंड करेगा। साथ साथ इसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर होगा तो देखो यहाँ पर लिखा है हाई टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन समर प्रोवाइड्स स्टिमुलेट्स ऑफ सॉल्मोन फॉर माइग्रेशन, तो ये जो है आपका सॉल्मोन के लिए इसमें माइग्रेशन करता है अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ फ्रेश वाटर राइस मूव अप स्ट्रीम फॉर स्पॉनिंग, तो जो है इसमें अप स्ट्रीम में स्पॉनिंग आप देखने को मिलेगा। साथ साथ इसमें जो है सोलिनिटी ऑफ वाटर, तो ये भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, सोलिनिटी ऑफ वाटर। फिर उसके बाद होगा इसी में और दिया है हमारे पास इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो लाइट का ड्यूरेशन कितना है वहाँ पर उसको हम इसमें देख सकते हैं। देखो सम फिशेस आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स लाइट एंड कैन बी ट्रैप्ड बाय प्लेसिंग लाइट्स एट सुटेबल पॉइंट, पेट्रोमाइजन एंड जो है एसिप्सर माइग्रेट ड्यूरिंग नाइट, तो ये जो है आपका ड्यूरेशन जो है इसका लाइट जो है लाइट जब उसमें सन रहता है तो सन के अट्रैक्ट होते हैं, लाइट को देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद उसी के दिशा की तरफ उसमें जो है वो जाने की कोशिश में करते हैं, तो पेट्रोमाइजन हो गया और इसे एस्पिंसर जो हो गया वो आपको नाइट के समय इसमें माइग्रेशन शो करते हैं। फिर हो गया उसके बाद जो है वाटर करेंट, तो वाटर करेंट भी इसमें इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फिशेस, तो ये जो है इसमें इन्फ्लुएंस करता है उसका डायरेक्शन कि किस तरफ उधर जा रहा है। एग एंड फ्राई आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द करंट विथ ब्रीडिंग ग्राउंड्स, तो ये जो है आपको फीडिंग ग्राउंड की तरफ इसमें होगा। साथ साथ आफ्टर द स्पॉनिंग स्पैंड सॉल्मोन आर द कैरी बाय द रिवर करेंट टूवर्ड्स सी, तो जो है सी की दिशा में या जो है आपके सीधा सा रिवर से सी की दिशा में उसमें जाने की कोशिश में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा द स्टेट्स ऑफ मेच्योरिटी ऑफ गोनेड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका गवर्निंग माइग्रेशन, तो जो है आपका गोनिंग माइग्रेशन के लिए जो है इसमें भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसका एंडोक्राइन ग्लैंड एंड जो है गोनेड्स, ये जो है। फिर उसके बाद होगा हाउ डे फाइंड द डायरेक्शन, इसके जो है डायरेक्शन को हम इसमें अगर फाइंड करना है तो जो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ओरिएंटेशन मीन्स जो है अरेंगिंग ऑफ एन एनिमल इन अ गिवन डायरेक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन ड्यूरिंग फिश माइग्रेशन रिव्यूड बाय हेसलर 1971 एंड एबल 1980 में इन्होंने जो है किया था कि जो है उसके ओरिएंटेशन को उन्होंने दर्शाया था कि कैसे उसमें जो है डायरेक्शन होता है, किस तरह से उसमें जो है वो डायरेक्शन वो शो करते हैं, कहाँ से ऐसा मूवमेंट उसमें होगा। फिर उसे बोला है आपके फिश में रिकॉग्नाइज इट्स होम साइट बाय सेंसरी स्टिमुलेशन विजन, तो इसमें सेंसरी स्टिमुलेशन विजन और ऑल्फैक्शन दिस इज कॉल्ड होमिंग एंड प्लॉइटिंग, तो ये क्या करते हैं इसमें इनके पास जो क्षमता होती है रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है, अगर वो दूसरे जगह पर वो जा रहे हैं तो दूसरे जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ से अपने पुणे जो अपना होम है अपना इस आपको प्लॉइंटिंग है वापस आने की कोशिश इसमें जो है वो करेगा, तो वहाँ से जो पुनः अपने रिकॉग्नाइज
करेगा होम साइट को और वापस वहाँ से वो आएंगे। फिर बोला है हमारे पास जो है मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर हेल्प टू फिश इन ओरिएंटेशन। पहला आएगा हमारे पास चेंज एंगल ऑफ द सन, सन का जो एंगल है पोजिशन उसके चेंज होने पर भी इसमें होगा, पोजिशन ऑफ मून होगा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाटर करेंट होगा और ऊपर ऑल्फैक्ट्री सेंस हो गया। तो ये सारे जो है इसके द्वारा भी इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें किस तरह से उसके डायरेक्शन को हम इसमें पहचान सकते हैं। फिर हमारे पास जो हार्मोन्स इन्वॉल्व, तो हार्मोन्स इन्वॉल्व में क्या होगा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या निकलेगा प्रोलैक्टिन जो है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन आपका ग्रोथ हार्मोन्स निकलेगा। फिर है आपका यूरोफाइसिस एंड जो है कॉर्पसेल्स ऑफ आपका स्टेनॉइड्स और पीनियल ग्लैंड्स एंड जो है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो रहता है जो कि कैल्सीटोनिन का निर्माण इसमें करते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं केसेस ऑफ माइग्रेशन, तो क्या इसके केसेस होते हैं। तो पहला होगा हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ कोड 1978 के अनुसार टू ऑप्टोमाइज बीडिंग, ऑप्टोमाइज अपने जो है ऑप्टोमाइज फीडिंग को, फीड को जो है अपने ऑप्टोमाइज करने के लिए इसमें माइग्रेशन होगा। साथ साथ इसमें होगा टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल जो कंडीशन होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पर उसको जीवित रहने के लिए इसमें माइग्रेशन होता है। फिर होगा हमारे पास टू इन्हेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए भी इसमें माइग्रेशन होता है। टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन, तो कॉलोनाइजेशन के लिए भी इसमें आपका माइग्रेशन इसमें होता है। उसके बाद है आपका टू एक्सप्लॉइट रिच फूड सोर्स इन्हेंस फूड इनटेक विच इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ रेट और फ्रिक्वेंटली एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो ये जो है आपका फ्रिक्वेंटली एंड सर्वाइवल, तो ये जो है आपका सीधा से इसमें जो है जीवित रहने के लिए अपने साइज को जो है ग्रोथ करने के लिए इन सब के लिए उसमें जो है आपका जरूरी होता है माइग्रेशन। फिर उसके बाद होगा हमारे पास जो है मेथड फॉर स्टडिंग फिश माइग्रेशन मार्किंग एंड टैगिंग टेक्निक, तो मार्किंग एंड टैगिंग टेक्निक से कैसे उसके माइग्रेशन की स्टडी किया जाता है। तो पहला आएगा हमारे पास इसमें टैगिंग टेक्निक्स, तो ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, पहला एक्सटर्नल दूसरा है इंटरनल। तो अब यहाँ पर इसमें देख सकते हो, उसके बाद जो मार्कर टेक्निक, तो मार्कर में क्या करते हैं फ्लोरोसेंस डाय का प्रयोग करेंगे एम्बेडेड इन स्केल्स एंड एक्सपोज बाय यूवी रेडिएशन, तो यूवी रेडिएशन के थ्रू जो है वो एक्सपोज होता है जिसको एम्बेडेड किया जाता है उसके स्केल्स पर डाला जाता है। फिर हमारे पास जो टेट्रा साइक्लिन डिपोजिटेड इन वर्टिब्रेट एंड बोन एज परमानेंट मार्कर, तो इसको उसके जो बोन होते हैं वहाँ पर इसको जो है डाला जाता है। फिर उसके बाद है रेडियो आइसोटोप्स, तो जो है वाटर सोल्यूबल एंड डिटेक्टेड रेडिएशन डिटेक्टर, तो ये जो है आपका रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। फिर होगा हमारे पास एक्सटर्नल टैग, तो एक्सटर्नल टैग जो रहते हैं हमारे पास जो है मल्टीलेशन मिसिंग एडिपोस फिन है ना, जिसको बोलते हैं हमारे पास क्लिपिंग एंड जो है पंचिंग, क्लिपिंग एंड पंचिंग के थ्रू उसमें जो है आपका रखा जाता है एडिपोज करके, उसमें एडिपोज फिन की तरफ उसमें जो है रखते हैं टैग लगाकर उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद है आपका पीटरसन डिस्क, एक प्रकार का पीटरसन डिस्क होते हैं, इसके द्वारा भी इसको टैगिंग किया जाता है। मोस्ट सक्सेसफुली ऑल टैग्स नेम्ड आफ्टर डेनिश बायोलॉजिस्ट हु इन्वेंटेड इन एट 1894, तो इसको 1894 में इसको जो है वो आपका डिस्कवर किया गया था। दिस टैग कंस्टेंट टू सेलुलॉइड एंड जो है प्लास्टिक डिस्क का, सेलुलॉइड का या तो है प्लास्टिक डिस्क का होता है अबाउट 1/2 inch इन डायमीटर, तो 1/2 inch डायमीटर में होता है और अटैच विद अ पिन एंड वायर टू सम पार्ट ऑफ फिश, इसको पिन या वायर की सहायता से इसको जो है फिश से जो है अटैच किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका कॉर्लिन, तो कॉर्लिन डेटा टैग, तो कॉर्लिन डेटा टैग भी आपका प्लास्टिक डिस्क विद स्टील वायर होता है, इसको भी वहीं पर करते हैं। साथ साथ इसमें लिखा हुआ है विजिबल इम्प्लांटेड आपका इलास्टोमर टैग, ठीक है, तो इंजेक्टेड एस लिक्विड एंड बिकेम सोल्डिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट, तो ये जो ट्रांसपेरेंट होता है और सोल्डिफाइड जो है वो आपको सोल्डिफील्ड जो इसमें होता है सोल्डिफाइड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारे पास फ्लोएड टैग, तो ये जो है आपका एडल्ट माइग्रेटरी फिशेस विथ टी बार हुक विच इंटरलॉक विथ स्केलेटन, तो स्केलेटन में जो इंटरलॉक किया जाता है, जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं किस तरह से इसमें है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है उसका पीटरसन डिस्क है जिसको कैसे इसमें लगाया गया है। अब उसके बाद है हमारे पास कॉर्लिन डेटा टैग, तो इसमें आपका वायर की साथ इसको जो बांध कर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें VIE टैग इसमें जो है लगा हुआ है और इसमें आपका जो है फ्लोएड टैग है, ये फ्लोएड टैग है इसमें किस तरह से इसमें लगा हुआ है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं फ्लोएड टैग है। ठीक है, तो ऐसा आपके इसमें
पीसेस में रखा जाता है, लगा कर रखते हैं। फिर उसके बाद होगा हमारे पास इंटरनल टैग। इंटरनल जो टैग होते हैं उसमें बोला है हमारे पास रेडियो टैग। तो इन इन जो है शॉ एंड लॉ कंस्टेंटली वाटर सेंड रेडियो सिग्नल। तो ये जो है आपका जो है वाटर में जो है रेडियो सिग्नल को इसमें जो है देते हैं। एवं जो है आपका सोनार टैग, तो सोनार टैग भी होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक टैग। आपका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कीप्ड इनसाइड कैप्सूल, तो ये जो है आपका इसमें सोनार टैग के थ्रू इसमें जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक जो है इसका टैग रहता है, जिसके द्वारा इसको जो है डिटेक्ट किया जाता है कहाँ पर है वो। फिर उसके बाद कोडेड वायर टैग, तो ये जो है आपका प्लेस्ड नियर स्नाउट नेक एंड डिटेक्टेड बाय मेटल डिटेक्टर मेनली यूज टू आइडेंटिफाई ग्रुप और फिशेस। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ फिशेस को जो है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो कि इसमें एक प्रकार का जो है मेटल डिटेक्टर की तरह इसमें जो है वो कार्य करता है। ये आप इसमें से देख पा रहे हैं किस तरह से है। तो ये है उसका रेडियो टैग हो गया, रेडियो टैग के बाद ये जो है उसका सोनार टैग हो गया। सोनार टैग के बाद इसमें आप इसमें देख पा रहे हैं कोडेड वायर्ड टैग है, तो किस तरह से इसमें जो है पूरी तरह से इसमें रखा जाए।